हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केंचो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये साल हम सबके लिए चैलेंजेस से भरा रहा, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी दोनों ही मैं कहूंगी बराबर हमारे सामने आए। कोरोना वायरस ने दस्तक दी हमारे दरवाजों के सामने और हमारी जिंदगी को पूरे का पूरा चेंज करके रख दिया। हमें मजबूर कर दिया गया कि हम अपने घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, दोस्त ना बनाएं और बाहर जाकर किसी से घुले मिले ना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। इसी के चलते ही स्कूल्स भी बंद कर दिए गए, जिससे कि बच्चों की क्लासेस जो हैं, जो फेस टू फेस लर्निंग थी, वो चेंज होकर ऑनलाइन क्लासेस में तब्दील हो गई। उसके चलते बच्चों को कभी भी इंटरेक्शन का मौका जो फेस टू फेस है वो नहीं मिला और बच्चे बेचारे जिस कमरे में उठ रहे थे उसी में सो रहे थे, उसी में ही पढ़ रहे थे, जिसके चलते माँ बाप के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे कि क्या मेरे बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी अगर वो इस सिचुएशन में ही रहता है, या वो क्या ऑनलाइन स्टडी से कुछ सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा है, या टीचर को भी कई ऐसे सवाल मन में आते थे कि किस तरह से वो ऑनलाइन स्टडी में इस तरह से वो पढ़ाएं कि बच्चों को पूरी तरह से समझ आ सके, क्योंकि कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत होती है, बच्चों को घर से निकलना भी जरूरी है, किसी चीज को टच करना और फील करना भी जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हम सबके सामने इस साल आए हैं, बच्चों के भी, माँ बाप के भी और टीचर्स के भी। तो हम सब एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे जहां पे हमारे सारे सवालों के जवाब हमें कहीं मिल पाते, क्योंकि कभी भी लाइफ में कोई चेंज आता है उसको एक्सेप्ट जब हम कर भी लेते हैं, लेकिन उससे कई इफ्स एंड बट्स हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे मैं भी एक पेरेंट हूं, मेरे मन में 100 सवाल आते हैं अपने बच्चे के बारे में कि क्या मेरा बच्चा घर में सारा दिन बैठा रहता है, ऑनलाइन स्टडी करता है, कहीं उसकी आंखें तो नहीं खराब हो जाएंगी, या क्या रीजंस होते हैं बच्चों की आंखें खराब होने के, क्या ये एक सच्चाई है कि स्क्रीन की तरफ देखने से बच्चों की आंखें खराब होती हैं, क्या कोई और रीजन भी हो सकता है, या क्या मैं कुछ ऐसे मेजर्स ले सकती हूं एज अ मदर या एज अ पेरेंट, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि बच्चा अगर ऑनलाइन पढ़ भी रहा है लेकिन उसकी आंखों में दर्द ना आए, या उसको कुछ ऐसी मदद हम कर पाए एज अ पेरेंट, या कोई ऐसा घर का कोना दे दे जहां पे उसकी आंखों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन ना आए। तो कई ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स या फीडबैक या चीजें हम शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो इसी चीज के चलते टाइम्स ऑफ इंडिया ने हम सबके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पे हम एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, और हम सब मिलके कुछ अपनी बातें दिल की शेयर कर सकते हैं, या कभी हम किसी एक्सपर्ट की अगर एडवाइस लेना चाहते हैं तो वह एडवाइस भी हमें वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। तो कीप लर्निंग इनिशिएटिव पावर्ड बाय बायजूस एक टाइम्स ऑफ इंडिया की पहल है जिसपे हम सबको लॉग ऑन करना चाहिए, और अगर हमारे मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हम वहां पर जाकर उन क्वेश्चंस के जवाब जो है वो ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको भी लगता है कि आप भी इसी कश्मकश से निकल रहे हैं जिससे मैं निकल रही हूं, या आप अगर एक स्टूडेंट हैं, या आप अगर एक टीचर हैं, या आप एक पेरेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप भी कुछ ऐसे सवालात को उनके आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, तो आपको लॉग ऑन करना चाहिए www.timeskeeplearning.com पर। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी वीडियो एक मैसेज थी, क्योंकि मुझे पता है हम सब इसी परेशानी से निकल रहे हैं लेकिन हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए। तो अगर आपको भी आपके सवालों के जवाब चाहिए तो अभी लॉग ऑन कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा, मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। गुड बाय।